वेलकम टू राम सर इंग्लिश अकेडमी, आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं नरेश आपके सामने करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर दशहरा देख रहे लोगों पर ट्रेन चढ़ने के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमृतसर में हुआ है। नेक्स्ट है, गोवा से मुंबई के बीच आरंभ किए गए देश के पहले डेमोस्टिक क्रूज का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आग्रिया। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा हाल ही में जल शोधन प्रणाली ओनीर का विकास किया गया है जिसका राइट आंसर है CSIR। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा बिजली की खपत कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किए जाने की घोषणा की है जिसका राइट आंसर है चीन देश ने की है। नेक्स्ट, दिवाली के अवसर पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने किस अभियान की शुरुआत की है जिसका राइट आंसर है हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट, कैमरून के पॉल विया ने 71.3% मतदान के साथ कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है जिसका राइट आंसर है 7वीं बार ये चुनाव जीत लिया है। दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जो कि 7वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि निजीकरण मानव अधिकारों के लिए हितकर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने लोक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को प्रोत्साहन देने के लिए आशा कार्यकर्ता का निगरानी यात्रा भत्ता 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है जिसका राइट आंसर है 6,000 रुपए का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट है, सरकार ने भारत और किस देश के बीच फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह जेड ब्लू जी गठित करने के लिए मंजूरी दे दी है इसका राइट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसका राइट आंसर है प्रियंक कानून गो को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों में इसे शेयर करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं ऐसे ही आपके सामने करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। दोस्तों आप हिम्मत मत हारिए क्योंकि मैं आपको ऐसे मोस्ट क्वेश्चन देता रहूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।